वर्ष 2011 से मैंने शुरू कर रखा था। दो अभियान चले थे मेरा, रिफ्लेक्टर लगाओ जीवन बचाओ, एक पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। उस टाइम में कुछ मतलब जैसे 50 तैयार किए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब की बार क्या है कि 1000 पौधे तैयार किए मैंने। ये VSF वगैरह हमारे पुलिस लाइन है, स्कूलों में और कई जगह वितरित करूँगा इसको। और इसका यही लक्ष्य है कि जैसे मैं अभी आप 15-16 साल से बाढ़ में रह रहा हूँ, ये मेरी कर्म भूमि है, कम से कम मैं इसका कर्ज तो नहीं उतार सकता हूँ लेकिन सेवा कर सकता हूँ इसकी। इसलिए इस पर्यावरण को भी मैं हरा भरा करूँ, यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा रहे, कम से कम मैं जाऊँ तो लोगों के मन में ये रहे भी हाँ कोई था ऐसा करके गया था, उसका पेड़ लगाया हुआ है। ये वर्ष 2011 से मैंने शुरू कर रखा था। दो अभियान चले थे मेरा, रिफ्लेक्टर लगाओ जीवन बचाओ, एक पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। उस टाइम में कुछ मतलब जैसे 50 तैयार किए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब की बार क्या है कि 1000 पौधे तैयार किए मैंने। ये VSF वगैरह हमारे पुलिस लाइन है, स्कूलों में और कई जगह वितरित करूँगा इसको। और इसका यही लक्ष्य है कि जैसे मैं अभी आप 15-16 साल से बाढ़ में रह रहा हूँ, ये मेरी कर्म भूमि है, कम से कम मैं इसका कर्ज तो नहीं उतार सकता हूँ लेकिन सेवा कर सकता हूँ इसकी। इसलिए इस पर्यावरण को भी मैं हरा भरा करूँ, यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा रहे, कम से कम मैं जाऊँ तो लोगों के मन में ये रहे भी हाँ कोई था ऐसा करके गया था, उसका पेड़ लगाया हुआ है। आज का दिन तो क्या है कि मेरा बर्थडे है, इसलिए बर्थडे के ऊपर एक स्पेशल मतलब एक अलग ही लगे कि हाँ यार कोई नई पहल कर रखी है। कोई केक काट के करता, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरी यही पहल है कि मैं कम से कम ये पौधे बांट के करूं, जो लोगों कम से कम प्रेरणा ले, ज़्यादा भी नहीं तो एक आदमी अगर 150 पौधे भी तैयार करके अगर ऐसा करेगा तो धीरे धीरे पर्यावरण में सुधार आएगा। शुरुआत कितने पौधों से थी, आज कितने पौधे वितरित किए? मैं शुरुआत 100 पौधों से की थी लगभग, अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 1000 हो गए। पिछले साल मैंने 800 पौधे तैयार करके बांटे थे, अब की बार 1000 पौधे तैयार किए हैं। तो इनमें ज़्यादातर कौन कौन से पौधे जो रेगिस्तानी इलाका उस हिसाब से है, परिवेश से है क्या? नहीं, अभी बाड़मेर के अंदर तो देखो अभी सभी पौधे लग रहे हैं आजकल, कोई जरूरत नहीं। अभी ये देख लो हमारे नींबू लग रहा है, बिलपत्र कितना बड़ा है, पपीता लग रही है, ये केला लग रहा है, सब पौधे जैसे कोई वो नहीं है। आम देखो, आम लग रहा है, हर पौधे यहाँ बाड़मेर में कोई दिक्कत नहीं आजकल। जैसे अभी जो अभी मैंने किए क्रुंज किए हैं, ये बेल है और बिलपत्र है और अपने जामुन है, पीपल है, नीम है, सब तरह के पौधे तैयार किए हैं, नींबू हैं।